आप लोग पीछे का व्यू देख सकते हैं, कितना छोटा छोटा घर दिख रहा है। अब हम लोग का यही था, यहाँ पे आएंगे, ये देखेंगे, लाइव देखेंगे। लाइव देखे बहुत अच्छा लगा हम लोग को। अब क्या बोले, ये बहुत अच्छा जगह है। नेपाल में भी बहुत है, इंडिया में भी बहुत। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हॉकी हो रहा है। अब ये भी हम लोग को देखने को मिला, उधर भी स्टेडियम है। ये व्यू आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 5 बजने वाला है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये कैसल है ऊपर। आप लोग, हम लोग अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे जाते जाते रात हो जाएगा, इसीलिए आप देख सकते हैं। हम लोग वहाँ उस पहाड़ पे गए थे घूमने, बहुत अच्छा लगा हम लोग घूम के, एडवेंचर बहुत अच्छा था हम लोग। आप लोग को ब्लॉग में ज़्यादा नहीं दिखा पाए क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में थे ना, तो उतना वीडियो नहीं कर पाए। फिर भी बहुत अच्छा लगा हम लोग को घूम के। यहाँ पे नित्रा बहुत अच्छा है, जैसे कि टारनावा से भी बहुत अच्छा है। ब्राटिस्लावा और नित्रा समथिंग कुछ अच्छा है, फिर भी ब्राटिस्लावा कैपिटल होने के कारण बहुत अच्छा है वो भी, बट नित्रा भी बहुत अच्छा है। ये आप देख सकते हैं डेन्यूब रिवर भी है, ये भी आप बहुत अच्छा, क्या बोले आप लोगों को। ये पार्क में अब जा रहे हैं, अब आपको वीडियो में दिखाई होंगे कि यहाँ पे हॉकी खेल रहा था, वो भी हम लोग देखे, वो भी इंजॉय लिए, कौन जीता कौन हारा वो भी हम लोगों को पता चल गया, देख लिए फाइनल। अब यहाँ से हम लोग इधर से अब जाएंगे पार्क में, इधर ये रास्ता जाएंगे आप लोग। अब ये वाला जाए कि ये वाला, कौन वाला कैसल नहीं जाना है हम लोग, ये वाला जाएंगे पार्क में। हम लोगों को भूख लगा है, हम लोग को भूख लगा है, उसके बाद जाके मैकडॉनल्ड खाना है, कुछ खाएंगे। आज पब्लिक हॉलीडे है, टेस्को भी बंद है। अब सोच रहे हैं क्या खाया जाएगा, मैकडॉनल्ड ही खाएंगे। उधर आप लोग देख सकते हैं वो व्यू, मेरे दोस्त पीछे पीछे आ रहा है हमारा। कोई यहाँ का लड़की लोग देखती है तो कुछ अलग सोचती है हमारे बारे में, वो कुछ अच्छा सोचती है। जो एजेड है लोग, यंगेस्ट है लोग, वो देखता है लोग तो कुछ अच्छा समझता है लोग, हंसता है लोग, हाय हेलो करता है लोग, तो अच्छा लगता है हम लोग को। हम लोग इस ब्रिज से ऊपर से होते हुए आए क्योंकि ये नीचे जो था वो हाईवे था, हाईवे होके आए हैं इस साइड में। अब यहाँ से हम लोग स्टेशन जाएंगे, स्टेशन कितना दूर है पता नहीं, बट पैदल घूमने में मज़ा आ रहा है लोग। हम लोग पैदल घूम के ही जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है पैदल घूमने में हम लोग को। मुझे उतना ठंड भी नहीं लग रहा है, पैदल चलने से ठंड नहीं लगता है, नहीं उतना फर्क पड़ता है कुछ। वही अब बस से आए, गाड़ी से जाएँ निकलो ठंड लगता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। अब आए हैं, फर्स्ट टाइम था हमारे भी, कुछ वैसा कोई बात नहीं है। अब नित्रा नेक्स्ट टाइम आए, मे भी आ गए तो और अच्छा से एक्सप्लेन करके बताएंगे, अब उतना बता नहीं पाए, फिर भी बहुत आप मेरे लिए बहुत है उतना भी हुआ। तो अब चलते हैं, आप लोगों को उधर पार्क दिखाते हैं। ये देखिए नदी है डेन्यूब रिवर, अच्छा है व्यू, बहुत अच्छा है। आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये हाईवे है। चलिए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए यार, आपका सपोर्ट चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं, सपोर्ट कीजिए, प्यार बना रहेगा, प्यार कीजिए, प्यार लीजिए, और कुछ जो जानना होगा बताइए, हम बताएंगे। कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। एक बात, आप लोग कमेंट में पूछते हैं, नंबर मांगते हैं, नंबर नहीं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेल देता हूँ ना, उसमें मेल कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा, मेल के सहारे रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। जो मेल में बात होगा तो उसमें मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भी कॉल पे भी बात कर सकते हैं, उससे भी बात हो जाएगा। आप लोग सोलबकिया में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आइए, मैं बोलूँगा आने के लिए। उसके बाद आप लोग 10 लाख 12 लाख पे कर रहे हैं एजेंट को, बहुत ज़्यादा हो गया, 10 लाख 12 लाख कुछ नहीं लगता है। आप मिनिमम से मिनिमम दीजिए 6 लाख 5 लाख 7 लाख 4 लाख, इतना दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए, नहीं तो आप देंगे 10 लाख 12 लाख सोलबकिया के लिए उतना रिजर्व नहीं करता है 12 लाख रुपया। और उसके बाद एक बात और बता दूँ, आप घर से आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ पैसा लेके आइए, कुछ दिन बैठना पड़े या रहना पड़ा, आते ही काम नहीं मिलता, आते ही जैसे कि आप लोग किसी भी कंपनी में जाएंगे तो स्किल टेस्ट होगा, ट्रेनिंग होगा, मैं भी ट्रेनिंग में फेल हो गए तो एजेंसी बोलेगा कि 10 दिन 15 दिन बैठो, तो उसके लिए खाने के लिए पैसा चाहिए, और यहाँ पे एकोमोडेशन का भी चार्ज लगता है, इसलिए बोले आपको। तो गाइस आप लोग ये देख सकते हैं, ये मेरे पास ये सुपर मार्केट है। आप सुपर मार्केट के अंदर सोच रहे हैं जाए कि ना जाए, सुपर मार्केट के अंदर चलना है, टेस्को खुला हुआ है। अब दोस्त बोल रहा है देखते हैं, अब चलते हैं किधर खाते हैं मैकडॉनल्ड, क्या खाना है दोस्त, टेस्को के अंदर जाना, तो चलते हैं टेस्को के अंदर देखते हैं क्या है कैसा है, बोल के आप लोग को भी दिखाते हैं नित्रा का टेस्को और सुपर मार्केट।
अंदर आ गए हैं और ये राउंड से रहता है वो खुलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं अभी कैमरा क्लोज कर रहा हूँ, मेरा बैटरी डाउन हो चुका है, चार्ज करके फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, अभी नहीं बना पाऊँगा। तो मेरा दोस्त बोल रहा था कि चलो टेस्को से कुछ लेके खा लेते हैं, तो मैं बोला कि टेस्को से नहीं खाना है, चलो मैकडोनल्ड खाना है, बोल के बर्गर खा ले। मैं आज खाया ही नहीं हूँ, आप लोग के वीडियो को बनाने के चक्कर में मैं आज कुछ खाया ही नहीं, पानी प्लग नहीं पिया हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग गया। आप चलते हैं देखते हैं किधर खाना है बोल के। तो दोस्त हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, बच्चा ये खेल रहा है, लोग आप लोग देख सकते हैं ये बच्चे लोग को। अब सोच रहे हैं पिज़्ज़ा खाएंगे क्या ले, अब वो इधर मॉल में रेस्टोरेंट एरिया इधर है, अब क्या खाएं, अब वो सोच रहे हैं पिज़्ज़ा कबाब और पांडा है क्या ले, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम लोग कन्फ्यूज हैं। अब दोस्त से पूछेंगे वो क्या खाएगा बोल के, क्या लेना है कबाब खा ले। ये आप देख रहे हैं मॉल है ये, क्या ये बाथरूम है इधर, तो उसके बाद देखते हैं कहाँ पे जाते हैं खाते हैं, अब कुछ दिखाई नहीं दिए यार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जंपिंग करने के लिए ये अच्छा बनाया हुआ है, अब कितना चार्ज है वो पता नहीं, हम लोग को कराएगा कि नहीं वो कुछ पता नहीं, बट ये मॉल बहुत अच्छा लगा हमको, गेमिंग के लिए, बच्चे के लिए खेलने के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, रिवर्स है। और वहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक बच्चा वहाँ पे रेसिंग कर रहा है कार पे, ये बहुत अच्छा लगा हमको। अब हमारे पास टाइम नहीं है तो हम भी जाके नीचे खेलते हैं, हम लोग भी तो बच्चे ही हैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर। चलो तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बढ़ चुके हैं, यहाँ के एमसी मैकडोनल्ड नहीं खाए, कबाब खाए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कबाब है, कबाब खा रहा है। चलिए अब खा कर फिर मिलते हैं उधर।